हेलो दोस्तों, फार्मिंग एवरीथिंग की हमेशा ये कोशिश रही है कि आपको सत्य और व्यवहारिक चीज़ों से मिलाए, जो काम हो रहा है, चल रहा है, जो हो सकता है, उन चीज़ों के बारे में बताए। लेकिन आजकल जहाँ तक हम लोग देखते हैं इंटरनेट में ऐसी चीज़ों का भरमार है जो अजीबोगरीब दावे कर रहे हैं। 3 गाय से कमाए 50,000 रुपये महीना, विदेश से नौकरी छोड़ कर आया, 1 साल में वो कमा रहा है 2 लाख रुपये, और भी ऐसे पता नहीं बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें। तो आज हमने इस बात की थोड़ी पड़ताल की है और जानने की कोशिश की है कि व्यवहारिक तौर पे कितना सत्य है। आज इस संदर्भ में बात करेंगे हमारे साथ श्रीमती दिव्या शर्मा जी, जो पिछले 10 सालों से गौपालन के कार्य से जुड़ी हुई है। देसी गायों का उनका खुद का एक डेयरी फार्म है और वो जैविक घी की एक सफल उत्पादक हैं। उनका बहुत अच्छा काम चल रहा है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में हमें अपने काम के बारे में बताया भी है। अगर आप वो इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डेयरी नाम की प्लेलिस्ट में आप वो इंटरव्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज चलिए देखते हैं कि इन दावों में कितनी सच्चाई है श्रीमती दिव्या शर्मा के साथ। चलिए, जैसे कई लोग का जो कोई फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन बहुत रहता है कि कई लोग दावा कर रहे हैं कि 1,00,000 रुपये प्रति महीना, 1,000,000 रुपये प्रति महीना, तो वो फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या कोई आदमी एक डेयरी खोलता है पहले महीने से क्या 45,000-50,000 कमाना चालू करता है? हमारा तो ऐसा बिल्कुल अनुभव नहीं है। मैं फिर से बता रिपीट करूँगी कि हम नवम्बर में नो प्रॉफिट नो लॉस में आए हैं 1 साल के बाद। तो ये जो हम पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं कि बिल्कुल इतनी गाय आएगी, इतना मिल्क आएगा, या तो हम मिल्क बेचेंगे या तो हम घी बना लेंगे, तो इतना घी बनेगा। कोई थंब रूल नहीं है, कोई ऐसा फिक्स्ड वो नहीं है कि बिल्कुल ऐसा है तो ऐसा ही चलेगा, रोज़ हमको 1.25 लीटर मिल जाएगा, नहीं हो रहा है। परसों मुझे 1100 ml मिला। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वेरिएशंस हैं, ये वेरिएशन तो आपको रोज फेस करने हैं, इसलिए उस काम को आपको समझना पड़ेगा और समझ के फिर आपको करना पड़ेगा। तो वो दावे अपनी जगह हैं, मेरा व्यवहारिक अनुभव ये सही सोच रहे, हमने सोच लिया कि हम ऐसा करेंगे, इतना बच जाएगा, इतना लगा देंगे, खिला देंगे, ये मैथमेटिक्स और कोई फार्मूला नहीं है, कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि बिल्कुल ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होगा, कोई इक्वेशन नहीं है, रोज नए इक्वेशंस हैं। ये जो मैंने एमएल्स का आपको बताया, जब मैं घी को छानती हूँ तो मेरा दिल रो देता है कि भाई अरे यार, कल तो 1 लीटर 250 ml था, आज ये 800 ml क्यों हो गया। फिर वापस आए गौशाला में, देखे कि गाय को क्या हो गया है, तो पता चला आज वो मक्का नहीं खाई है, तो भूल गया अटेंडेंट, तो मक्का का सप्लीमेंट उसके में कम हो गया, कभी कुछ है कभी कुछ है। एक गाय जो बेहद सीधी है, जो कभी आड़ नहीं करती, उसने दूध नहीं दिया, क्यों भाई? क्योंकि बहुत मच्छर काटती है उसको, एक गाय को दाने हो गए। तो ये जो इंटरेक्शन है, जो आपको रोज़ उससे मिलना है, जैसे आप अपने बच्चे से रोज़ मिलते हैं, तो तभी पता चलेगा ना। तो कैलकुलेशंस यहाँ पे काम नहीं आती हैं, कैलकुलेशंस ड्रास्टिकली चेंज हो जाती हैं। तो वो कैलकुलेशंस अपनी जगह है और रियलिटी अपनी जगह है, पर ऐसा नहीं है कि इसमें सस्टेन नहीं किया जा सकता, सस्टेन किया जा सकता है, पर एक्सपेक्टेशंस हाई रख के ये मान लेना कि हम लॉस में हैं, ये गलत बात है। ये मेरी सोच है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को उस लाइव स्टॉक और उस चीज़ के मर्म को समझते हैं। बहुत सारे आजकल इंटरनेट में ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि 3 गाय से कमाए 45,000, 2 लाख रुपए महीना कमाए, विदेश से आके नौकरी छोड़ दी और ये डेयरी का व्यवसाय कमा कर लिया, आज काम आ रहा है 2 लाख। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या लगता है, क्या कितनी हद तक सही है? क्योंकि अभी पैंडेमिक का समय चल रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही टेंशन में भी हैं, कुछ लोग सब कुछ अपना छोड़ के अब ये किसी एक नए व्यवसाय जैसे ये डेयरी के व्यवसाय में आना चाहते हैं। तो ये जो इंटरनेट में जो दावे किए जा रहे हैं, उसके विषय में थोड़ा आपका व्यवहारिक अनुभव क्या रहा है, इसके बारे में हमें शेयर कीजिए। जहाँ तक आपने जो दावों की बात कही, तो जो दावे करते हैं उनसे तो वो तो मुझे नहीं पता है, मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगी तो शायद उसका उत्तर मिल जाए। किसी भी काम का कोई शॉर्टकट होता नहीं है, तो ये एक फिलॉसफी ज़रूर है पर ये एक बहुत बड़ा सत्य है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको कोई भी काम करना है, हम चूँकि यहाँ पे गौशाला में खड़े हैं, डेयरी पालन के बारे में बात कर रहे हैं, घी उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी काम को करने के लिए आपको उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग का मतलब है समझ, कि आप उसको करके देखिए और करके देखने के दौरान आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होते हैं, क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। वो सारी चीज़ें जब आप सारे रूटीन को समझ जाते हैं, उस पूरे सेशन को समझ जाते हैं, तब आप जाके उस काम पे
रिस्क लेके ये उस पर कदम रख सकते हैं कि हाँ भाई अब मैं ये करूँगा। लेकिन उसके लिए सारी चीज़ों को छोड़ देना, एग्जिस्टिंग चीज़ों को छोड़ देना जो शायद पहले बहुत प्रॉफिटेबल हो, जब तक आप उसको जितना रिक्वायर्ड टाइम है उस रिक्वायर्ड टाइम को अगर आप नहीं देंगे सस्टेन करने के लिए, तो आप सस्टेन कर ही नहीं सकते। करने के लिए ज़रूरी है ना कि हम उसके सारी चीज़ों को समझें। तो बिना समझे मेरे ख्याल से, बिना ट्रेनिंग लिए, बिना अध्ययन किए आप पढ़िए। आजकल तो आप एक से एक अच्छे अच्छे क्वालिटी वीडियोस, क्वालिटी लिटरेचर्स हैं बिल्कुल डिजिटल फोरम में, तो आप पढ़िए सभी को। हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बिना पढ़े बिना करे अगर हम कूदेंगे तो गिरेंगे और डूबेंगे भी, ऐसा मेरा मानना है। तो पहले जानिए, सीखिए, पढ़िए, अनुभवी लोगों से मिलिए और बिना किसी खास बड़े फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन के फिर आइए, तो आप संभव है ये कर पाए। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।